Today morning we received an information at 0700 hours that one person named Vikas Goswami, his dead body is lying in a community hall in Qasim Nagar area. Immediately police swung into action. SHO and his troops, they reached the spot. They started inquiry. 174 was initiated since it was a suspicious death. We rounded up a few suspects of the area and then we zeroed in on the persons who used to spend evening in that community hall. One of the suspects, he informed that a person by the name of Nitish Kumar, son of Ashok Kumar of Qasim Nagar, he was having drinks with the deceased in the evening and there was some scuffle followed by some quarrel, and then he went to his house. He got back with a rod and then hit the deceased at 2-3 places, including his head, and crushed his skull, and thereby killing him on spot. Seeing this, the witness, he just fled from the spot, and the accused himself, he kept himself hidden at some places in general areas of Jammu, and was trying to get away from Jammu in a train. The ticket of the train has been recovered from the suspect. Now, Nitesh Kumar, son of Ashok Kumar, RO Qasim Nagar, has been arrested in this blind murder case. The best part is that this particular blind murder case has been solved within 5 hours of its commission. And an FIR number 72 of 2019 under section 302 RPC has been registered in police station Bagebahu. खबर मिली कि एक डिजीज एक आदमी जिसका नाम विकास गोस्वामी है, उसका शव जो है संदिग्ध हालात में एक कम्युनिटी हॉल कासिम नगर में पाया गया। तुरंत SHO साहब और उनकी टीम जो है वो स्पॉट पे गई, अपनी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। 174 की कार्रवाई शुरू की गई क्योंकि जो डेथ का कारण था उसको असर्टेन करना लाजमी था। वहाँ पर तफ्तीश के दौरान सबसे पहले वहाँ पर मौका जो था, मौका वारदात से कुछ चीज़ें जो हैं सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए। उसके बाद उन लोगों पे जीरो इन करने की कोशिश की गई जो लोग उस कम्युनिटी हॉल में शाम गुजारते थे। उनमें से एक आदमी जो हमारा प्राइम विटनेस बना, उसने बताया कि नितेश नाम का एक लड़का जो था विकास के साथ शाम को वहीं पर बैठ के शराब वगैरह पी रहे थे और उनकी बहस भी चल रही थी और लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उसी लड़ाई झगड़े में उनकी गुथा हुआ और इसी में वो नाराज़ होकर अपने घर चला गया, नितेश घर चला गया, और घर जाके एक तेज़ धार रॉड लेके वो वापस आया और जो डिजीज्ड है उसको उसने पीठ पे, पेट पे और सर पे जोर जोर से 3-4 बार वार किए, जिससे कि डिजीज जो था वो स्पॉट पे ही ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये सब देख के जो प्राइम विटनेस था वो मौके से भाग गया। जो नितेश है वो खुद को उसने जंगल में छुपाया और सुबह होते ही उसको ट्रेन की टिकट लेके दिल्ली राजस्थान की तरफ भागने के ताक में था। पुलिस ने सारे नाकाज जो थे जम्मू के अलर्ट करवा दिए थे, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन अलर्ट पे था। नितेश पकड़ा गया, उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने पुलिस को वो जो राड थी जंगल से एक जगह से बरामद भी करवाई, जिस जो खून आलूदा है, जिसपे खून के दाग लगे हुए हैं। इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर केस जो हमारे लिए सुबह पहले एक इंक्वेस्ट शुरू हुआ, फिर उसके बाद हमें जब पता चला कि सर पे चोट जो है गहरी है, मर्डर की तरफ इशारा हुआ, ब्लाइंड मर्डर विद इन 5 आवर्स SHO सुनील कुमार शर्मा अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO ईस्ट मिस्टर राही, इनके सुपरविजन के अंडर 5 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व हुआ।